सब्सक्राइब करें गिज़्मो ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं गिज़्मो ज्ञान। तो फाइनली एप्पल ने iOS 11 अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या न्यू फीचर्स हमें मिलने वाले हैं iOS 11 के साथ। यहाँ मैं आपको टॉप 10 फीचर्स बताने वाला हूँ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, iPhone 6s और 6s Plus के साथ हमें लाइव पिक्चर्स क्लिक करने का ऑप्शन मिला था, और अब iOS 11 के साथ लाइव पिक्चर्स क्लिक करना और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप कुछ फनी इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो अपनी लाइव पिक्चर में। आप लूप में भी लाइव पिक्चर प्ले कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, और इस तरह का बाउंस इफेक्ट भी आप दे सकते हो। और भी कुछ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे हमें DSLR में मिलते हैं, इस तरह की लाइटनिंग, वाटरफॉल का इफेक्ट, रेन का इफेक्ट आप और अच्छे से इसमें देख पाओगे। और साथ में जो भी पिक्चर या वीडियो आप लोगे अपने मोबाइल से वो और ज़्यादा अब कंप्रेस होगी, तो आपकी स्टोरेज अब जल्दी से फुल नहीं होगी। और आप टेंशन मत लेना, ये इस तरह से कंप्रेस होगी, आपकी पिक्चर या वीडियो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आती है लॉक स्क्रीन। अब आप लॉक स्क्रीन पे नीचे से ऊपर स्वाइप करके सभी नोटिफिकेशन देख पाओगे। और यहाँ आपका कंट्रोल सेंटर अब बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, सभी ऑप्शन आपको एक साथ यहाँ मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप 3D टच यूज करके और भी ऑप्शन देख सकते हो। और अगर आप मैसेज ऐप यूज करते हो तो आपके लिए भी एक न्यू अपडेट है। यहाँ ऐप ड्रॉअर को रीडिजाइन किया गया है, अब आप और भी आसानी से स्टिकर्स, इमोजीज, गेम्स वगैरह शेयर कर पाओगे। और एप्पल पे के लिए भी न्यू अपडेट है, अब आप एप्पल पे यूज़ करके इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ कर पाओगे। आपको किसी को भी पेमेंट करनी है तो अब आप एप्पल पे यूज़ करके बड़े आराम से कर सकते हो और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। फिर आपको जो एप्पल पे से पैसे मिलेंगे तो उनसे आप कुछ परचेज कर सकते हो एप्पल पे यूज़ करके, या आपको किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। और आने वाले टाइम में ये पैसे आप बैंक में ट्रांसफ़र भी कर पाओगे, हालांकि US में ये फीचर आ जाएगा बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने का, इंडिया में ये फीचर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ एप्पल मैप्स में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गई हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में हैं, वहाँ अब आप मैप में देख पाओगे कि कौन सा स्टोर कहाँ पे है। अभी कुछ सिलेक्टेड मॉल्स में एंड एयरपोर्ट्स में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इंडिया में अभी कुछ नहीं पता कब तक आएगा ये ऑप्शन। और एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है iOS 11 में, डू नॉट डिस्टर्ब व्हाइल ड्राइविंग। अब आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ड्राइविंग के टाइम आपको आपके मोबाइल में ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, कोई नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं होगा। और यहाँ ऐप स्टोर का लेआउट भी चेंज कर दिया गया है, गेम्स के लिए अलग से सेशन बन गया है, और डेली आपको एक हाईलाइटेड ऐप मिलेगी ऐप स्टोर में, जैसे कि हम कहते हैं ना ऐप ऑफ द डे, डेली एक न्यू ऐप आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ सीरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। अब जैसे आप सीरी से इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेज यहाँ ऐड की गई हैं और साथ में सीरी आपको यहाँ अपनी तरफ से सजेशंस भी देगी कि आप क्या पूछ सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको iOS और एंड्रॉयड में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर लगता है और क्यों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। Thanks for watching this video.